हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। और आज के इस वीडियो में क्या सिखाने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और थोड़ा सा हट करके एक्सेस में ये चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक आईडी लिखी हुई है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है और ये एज है। तो एज में आप देखेंगे यहाँ 44 है, यहाँ 23 है, यहाँ 14 है, 10 है, 67 है, तो अलग अलग टाइप के एजेस यहाँ पे लिखे गए हैं। एक क्वेरी मैंने बनाया। अब इस क्वेरी को बनाने का परिणाम क्या हुआ, यहां पर देखेंगे कि राम सिंह की जो एज है उसके मुताबिक ये क्या है, अडल्ट है। अब अडल्ट की एक क्राइटेरिया डिसाइड हुई है, ठीक है। यहां पर ये माइनर है, यहां पे ये माइनर है, यहां पे ये सीनियर है, यानी 60 साल से ऊपर जो भी है वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आएंगे, सीनियर लिख दिया मैंने। तो ये क्वेरी कैसे लगाई गई है आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेरी को पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ एक तरह से, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से, इसको मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेरी उसी हिसाब से लगानी है। ये आपके काफी काम आ सकता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये कोई आई इफ का फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एसक्यूएल में स्विच का यूज करके दिखाऊंगा कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले क्रिएट पे जाइए और क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी डिजाइन पे जाना है, ठीक है, जैसे कि हम जाते हैं आमतौर पर, और यहां से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहां पर आकर के सबसे पहले सेलेक्ट तो लिखा ही हुआ है, चलिए हम हटा करके फिर से लिख देते हैं, ये लिख दिया सेलेक्ट। सबसे पहले आपको सेलेक्ट ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये सेलेक्ट इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब जैसे ही आप सेलेक्ट लिखते हैं तो यहां पर आगे आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो हमें सेलेक्ट करना है FIRST फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, और क्या सेलेक्ट करना है, कॉमा देंगे, लास्ट नेम सेलेक्ट करना है, लास्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम हो गया और लास्ट नेम हो गया, कॉमा दे देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्विच का, क्या लगाएंगे, स्विच का फॉर्मूला, तो SWITCH। यहां पर देखिए मैं स्विच का फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूं, शायद आपने सीखा नहीं होगा, लेकिन ये काफी आपके काम को आसान बना देता है। इन कंपेरिजन टू आई इफ, इफ लगाते हैं तो आपको काफी बार क्राइटेरिया डिसाइड करनी पड़ती है, बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन स्विच में यह दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर अब देखिए एक फील्ड तो इसमें एज भी है, जरा देखते हैं, ये एज दिख रहा है ना, तो एक फील्ड तो एज भी है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं एज, ठीक है। अब यहां पे करता हूं एज इज, ठीक है, यहां पे कर दिया लेस देन 18, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनर, क्या करेंगे, माइनर लिख देता हूं, माइनर, ठीक है। फिर कॉमा देते हैं, एंटर करके नीचे आते हैं। अच्छा, ये जो डबल एटेड कॉमा ओपन किया इसको क्लोज भी करना होगा। यहां पर देखिए डबल एटेड कॉमा में मैंने लिखा है, ठीक है, ये जो माइनर लिखा है ये डबल एटेड कॉमा में है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अब एंटर करके फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ वही चीज एज ही डालेंगे हम, वापिस से लिखा एज। अब यहाँ पे कर देंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 18 के, तब इस कंडीशन में क्या होगा। और यहाँ पर एक और कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंड, इस तरीके से लिख देता हूँ एंड, ठीक है। और यहाँ पे एज, फिर वापिस से एज, और यहाँ पे करेंगे लेस देन, लेस देन कितना कर देते हैं, लाइक 60 कर देते हैं, लेस देन 60। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर डोमेटेड कोर्ट्स में दे देंगे अडल्ट, अडल्ट यानी कि वयस्क हैं आप, तो ऐसे में यहाँ पर कॉमा दे देंगे। फिर और एक और कंडीशन लास्ट में दे देते हैं, क्या देते हैं, इफ, यानी कि इफ तो लगाना ही नहीं, स्विच लगाया एक बार और काम हो गया आपका बार बार, ठीक है, एक ही बार स्विच लगा रहा हूं, आई इफ रहता तो बार बार लगाना पड़ता, लेकिन स्विच की कहानी ये है कि सिर्फ एक ही बार लगाया हमने और आपका काम काफी आसान हो गया, ठीक है। और यहां पे लिख दिया सीनियर SENIOR और अंडरस्कोर लगा के सिटीजन, सीनियर सिटीजन कर दिया, इस तरीके से आपको कर देना है, ये काम हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करना होगा आपको, तो यहां से क्लोज कर देते हैं और इसको कर देते हैं एज, यहां पे ग्रुप कराएंगे, एज ग्रुप कर देते हैं, एज ग्रुप, GROUP, एज एज ग्रुप कर दिया और एंटर करके नीचे आइए। और ये सब सेलेक्ट कहां से होगा, तो फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल वन, तो जो टेबल का नाम है बिल्कुल वही आपको लिख देना, तो ये लिख दिया टेबल वन, इतना ही आपको करना है, ठीक है। अब ये लिख करके और यहाँ टर्मिनेशन यानी कि सेमी कॉलन आपको देना है, क्या देना है, सेमी कॉलन, तो ये सेमी कॉलन दे देते हैं, ठीक है, दे दिया। अब क्या करना है, अब यहां से अब आपको ये टेबल वन जो आ रहा है इसको पहले क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद यहाँ डिजाइन पे आइएगा तो यहाँ रन का बटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस क्राइटेरिया को आपने सेट किया था उसी के मुताबिक सारी चीजें आ रही हैं। अब क्वेरी को क्लोज करते हैं, यहां से इस क्वेरी को मैं सेव कर देता हूं,
एज क्यू कर देता हूं, एज क्वेरी के नाम से सेव कर दिया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर एक और नाम लिखते हैं सिक्स वाला, ठीक है, युवराज, ये लिख दिया। और युवराज की एज क्या है, फाइव ईयर है, ठीक है, और यहां पे फाइव लिखेंगे, ये फाइव हो गया। और यहां पे सिंह लिख देंगे, एस आई एन जी एच, सेकेंड नेम यानी लास्ट नेम, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सोनू, ठीक है, यादव, एक और नाम लिख दिया। और इनकी एज क्या है, इनकी एज है 12 साल मान लीजिए। तो ऐसे में यहां पर इन दोनों लोगों की एज का स्टेटस क्या आएगा, यहां पर चेक करना होगा। डबल क्लिक करते हैं, अभी तो यहां पे देखिए, यहां पे दोनों लोगों का क्या आ गया, माइनर आ गया, यानी 18 से कम जो भी है उनका क्या आएगा, माइनर आएगा, ठीक है। यानी टेबल में जो भी आप डालेंगे क्वेरी में ऑटोमेटिक अपडेट होता चलेगा, ठीक है। जैसे यहां पर लिखता हूं एक और कुबेर, ठीक है, और यहां पे सिंह, ठीक है, और इनकी एज है मान लीजिए 78, तो 78 हो गया तो ऑटोमेटिक वहां क्या आएगा, सीनियर सिटीजन आएगा, ठीक है। तो यहां पर जब क्वेरी को ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए अभी तो अपडेट नहीं हुआ, इस टेबल को क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद यहां पर रिफ्रेश का बटन है, तो रिफ्रेश करते ही आपको यहां पर क्या दिखेगा, सीनियर सिटीजन दिख रहा है ना, ये कॉमन सी बात है। और ये एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू करेंगे तो और आपको ज्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, और भी ज्यादा आपको सुविधा मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सूरज सर के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।